सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं नवीर भाई? ठीक है, ठीक ठाक अली भाई, क्या कर रहे हैं? बस ये टाइम लैप्स बना रहा था, एक वीडियो अच्छा रिकॉर्ड अच्छा कर रहा था। जी चलें, वो आपका टाइम लग अलग हो जाएगा। मैं वो कह रहा था कि अल्लाह के नाम के ब्लॉग्स का काम जो हम कर रहे थे उस पे हम दो ब्लॉग्स अपलोड हुए हैं, तीसरा मैं क्या बना रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ, वो भी कर लेना उसके लिए चाहिए। टाइम अगर है थोड़ा एडजस्ट करें आप वो फिर सेटिंग वेटिंग कर ले, मैं फिर करता हूँ स्टार्ट। चल ठीक हो गया। अली भाई आ जाए, सेटिंग हो जी, रही मैं आ गया जनाब, मैं आ गया। एक मिनट, में चाक वगैरह ले लूँ। जिसके साथ बच्चों को सिखाना है वो भी तो मामला जरूरी है ना। है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये चौक ले आता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। हमारे दो नाम हुए थे अल्लाह पाक के, एक अल्लाह और एक अर रहमान हमने लिखा था। आज हम अर रहीम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सबसे पहले तो वही अलिफ, हमने अलिफ कैसे लिखना है ये देखें। यू, ये स्ट्रोक बनाना होता है, फिर इसको आप यहाँ से यू करते हो और इसको वापस इसके साथ में ऐसे मिला देते हो। ठीक है, ये आ गया अलिफ। अच्छा जी, आगे हमने लाम और फिर आगे ये रे आ गया। इसको फिर वापस इस तरफ लेके जाना है, सीधा नहीं होता, इस तरफ वापस है। फिर यहां से इसको हम ऐसे करके गौर और फिर इसको यूं कर देंगे। ठीक है, ये आ गया जी। ठीक है, आगे है ये और मीम, वो हमने लिखना है। तो इसको हमने यहां से यूं करेंगे, यहां से ना, फिर ये इधर जाएगा और इधर से ये वापस ऐसे यू। यहाँ पे हम ये का पेबंद ऐड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये का पेबंद आ गया। आगे हमने मीम ऐड करना है, तो इसको हम यहां से यूं करके इधर से इसके साथ साथ ही हम इसको यूं करेंगे ना, इस तरह। ठीक है, ये हमने ऐसे किया था। ठीक है, और फिर इसको हम यहां से ऐसे लेके आए। ठीक है जी, ये अच्छा, इसको हमने यहां से यूं किया है, तो ये के दो पे बंद इस तरह। इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे करेंगे, सही नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, और इसको फिर आगे यूं कर देंगे। ठीक है जी, ये इसमें इसकी शेप बनती है, ये बारीक ही रहेगा ऐसे। ठीक है ना, ये रहे नवीन भाई, अब खुश है? अच्छा मैं ये कह रहा था कि वो जिस तरह लाइनिंग करते थे, जी, जिस तरह बता देते थे कि अलिफ की जो लेंथ है वो आप उसके साथ तशकीलात के साथ भी थोड़ा बता दें। वो कत के हिसाब से आपने ऐड अच्छा करना। कद कहते हैं, हाँ कद के हिसाब से बता दें। ठीक है, देखिए इसमें कत का हिसाब वो तो नहीं हम रख सकते। देखिए ये आधा कत है, ठीक है, लेकिन देखिए जब आप करते हैं ना इस तरह से, कत के हिसाब से आप करेंगे, फिर आप वो उस तरह से प्रोफेशनली काम भी कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, हमें बता तो देना चाहिए, लेकिन लेटर्स का बताना चाहिए बेसिकली, अलिफ बा जीम दाल रे या फिर उसकी ज्वाइनिंग, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है ना, जब इस अल्फाज लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, आयात लिखते हैं, देन आपको चाहिए कि आप बकायदा डायरेक्ट उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा हाँ, वैसे रैंडम मैं इधर बता देता हूँ। यहां तक इसका जो पोर्शन होगा, ये पहला स्ट्रोक ये चार कद का होना चाहिए, दो तीन चार। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन फिर आपका दो कद का होना चाहिए, ये देख लें आप। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन एक दो और ये तीन कद का बन रहा है। ठीक है, रे की अगर गहराई देखें तो ये एक दो और ये तीन कद की बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा और तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक कद बाहर निकलता होता है ऐसे ना, ये एक कद बाहर निकलता होता है, तो ये इसकी सारी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, मजीद कोई है क्वेश्चन तो बच्चे फिर पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनसे बता दिया जाएगा मजीद। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर रहमान रहीम अल मालिक ये लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक हो, शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।